रेलवे स्टेशन की लाइन लगी हुई है। ये रेलवे स्टेशन की नहीं, गवर्नमेंट वाइन एंड बियर शॉप। और ये ट्रेन यहाँ खत्म होती है वाइन एंड बियर शॉप। हमारी शादी का चूड़ा ना इसी से लिया था हमने। यहाँ पे सारी वही है, ज्वेलरी शॉप ही है। हाँ, मैंने यहीं से लिया था अपनी शादी का। अच्छा खोलो मैं तो, ये देख लो ये कलर है, मुझे तो ग्रीन अच्छा लग रहा है। अरे बड़ा अच्छा लगा मुझे ये देख के कि पूरा स्टाफ वैक्सीनेट है, और उन्होंने मार्क करके दिया हुआ है कि हमारा पूरा स्टाफ वैक्सीनेट है। आप आइए, हम सबको वैक्सीनेशन लग रही है, घबराइए ना। ये चीज बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अभी इस टाइम पर लोग वैक्सीनेशन, मैं तब भी घबरा रहा था कि मंत्री घुस ना जाए। नहीं घुसू की नहीं, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि वैक्सीनेशन सबको लगी हुई है और वो प्राउडली इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी फैली हुई है वैक्सीन को लेकर, पराठे वाली गली बहुत सुने हैं। मैं कभी गया नहीं दिल्ली में रहते हुए, यार कभी पराठे नहीं चखे यहाँ के। ट्राई करते हैं, अगर भीड़ कम हुई, भूख तो लग रही है, तो ट्राई करते हैं पराठे वाली गली। आ गई है फेमस पराठे वाली गली, और ये पर्स मुझे पसंद आ रहा है। पराठे वाली गली में भी इसको बैग्स और यही सब नजर आ रहे हैं। अरे भैया जो अच्छा लग रहा है वो तो दिखी लग रहा है। यही चलते हैं हम, पराठा रबड़ी पराठा काजू पराठा मिक्स। ये थाली आ गई है, इसमें क्या क्या है? आलू की सब्जी है, आलू मटर की सब्जी है, ये आलू सूखे हैं, सलाद है, सलाद, ये पता नहीं क्या, ये चटनी है और ये अचार है। तो ये आ गया हमारा पनीर पराठा, चलो जी स्टार्ट करो। ये है मिक्स पराठा। हाँ ये क्या है, क्या कह रहे थे? पेठे की सब्जी है। घिया सीताफल पेठे की सब्जी है, ये आलू मटर है, चटनी है। अच्छा अभी ना व्यूअर्स, मैं और गगन डिस्कस कर रहे थे कि जब हम कॉलेज में थे तो हम आते थे नई सड़क के लिए, यहाँ से थोड़ी सी और आगे जाएंगे ना तो लेफ्ट हो जाएंगे, तो हमें नई सड़क शुरू हो जाएगी जहाँ पे आपको बुक्स नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं और सस्ती मिलती हैं काफी, कॉलेज बुक्स वगैरह। हाँ कॉलेज बुक्स वगैरह बहुत सस्ती मिलती हैं और आपको सब कुछ कवर अप हो जाता है उसमें, और इतना चेंज आ चुका है कि उस टाइम पे हम रोड आराम से क्रॉस नहीं कर सकते थे, कोई रिक्शा इधर से आ रहा है कोई रिक्शा इधर से, अब आराम से बातें करते करते दोनों जनों ने रोड क्रॉस करी है। ए तुसी देख रहे हो नाइट व्यू हैगा गुरुद्वारा शीश गंज साहिब का, पहले नौवें गुरु नु शहीद किया गया सी, गुरु तेग बहादुर जी नु शहीद किया गया सी। औरंगजेब के टाइम कश्मीरी पंडित बहुत परेशान थे क्योंकि औरंगजेब जबरन हिंदुओं नु मुस्लिम कन्वर्ट करवा रहा सी,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਬਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ये है शहीदी स्थान भाई मतीदास, भाई सतीदास जी ते भाई दयाला जी दा। भाई मतीदास जी नू आरे नाल जलाया गया सिगा, भाई सतीदास जी नू जिंदा ही जलाता गया सिगा, रूई नाल बन के उन्हां नू जलाता सिगा, ते भाई दयाला जी नू, भाई दयाला जी नू पानी दे विच उबालिया गया सी। जाते जाते हल्की फुल्की और भूख लगी तो हमने ले लिए पनीर पकौड़े, चटनी मूली लिमका और रेलवे स्टेशन की लाइन लगी हुई है। ये रेलवे स्टेशन की नहीं, गवर्नमेंट वाइन एंड बियर शॉप। और ये ट्रेन यहाँ खत्म होती है वाइन एंड बियर शॉप। शॉपिंग होगी, खा पी लिया, अब चलते हैं घर वापस। मेट्रो की वेट हो रही है, 8 बजे हैं अभी और आधे पौने घंटे में घर पहुंच जाएंगे। होप यू लाइक दिस व्लॉग, इस व्लॉग को ये एंड करते हैं। बाय बाय।